मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। किस फिल्म के लिए अजय को मिला नेशनल अवार्ड? कौन सी फिल्मों के लिए मिला है अजय को बेस्ट एक्टर का अवार्ड? कौन से चेंजेस होंगे ओरिजिनल और रिमेक में? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। 2020 में आई अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म तानाजी का ये डायलॉग सुनते ही हर किसी के दिल में शिवाजी राजे की तस्वीर आ जाती है। और अजय की इस फिल्म में की गई दमदार एक्टिंग और धमाकेदार एक्शन की वजह से अजय को इस फिल्म के लिए 68th नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और उनके साथ ही साउथ एक्टर सूर्या को भी सुरराय पोत्रो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री का नाम ऊंचा किया। तानाजी अजय के लिए खास फिल्म इसलिए भी है क्योंकि वो उनकी करियर की 100th फिल्म थी। अजय को तानाजी से पहले भी 2 बार बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। एक 1998 की जख्म के लिए तो दूसरा 2002 की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए। इन दोनों ही फिल्मों में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अजय हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिनको हर कोई बड़ी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। 1991 की फिल्म फूल और कांटे से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले अजय ने इस इंडस्ट्री में काफी स्ट्रगल भी किया है, तो वही आज वो इतने सक्सेसफुल हैं कि सिर्फ उनका नाम सुनकर ही ऑडियंस उनकी फिल्में देखना पहुंच जाती है। आज तक अजय ने कई सारे डिफरेंट रोल्स प्ले किए थे और ऐसा कोई जेनर नहीं होगा जिसमें अजय की कोई फिल्म ना आई हो। अजय ने हर बार अपनी फिल्मों से ये साबित किया है कि वो एक बेस्ट एक्टर हैं और उन्हें आज तक 35 से भी ज्यादा अलग अलग अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए ही बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला था और आगे चलकर उनके अवार्ड्स की लिस्ट लंबी होती चली गई। उन्हें एक्शन ड्रामा नजायज के लिए भी पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एक पूरे साल में अजय की एक भी फिल्म में ना आए ये तो इम्पॉसिबल है और वो 110 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इनमें से उनकी आधे से भी ज्यादा फिल्में हिट या सुपर हिट रही हैं और ऐसी एक फिल्म लेकर वो जल्द ही आने वाले हैं जिसका नाम है भोला। अजय एक बेस्ट एक्टर तो है ही, लेकिन साथ ही अब वो एक बेस्ट डायरेक्टर भी बनने वाले हैं क्योंकि भोला फिल्म के डायरेक्टर की सीट उन्होंने खुद ही ले ली है और ये फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म कैथी का रीमेक है। इस रीमेक में ओरिजिनल से थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज है तब्बू का। ओरिजिनल फिल्म में किसी भी फीमेल का किरदार नहीं था जबकि इस फिल्म में है और इस फिल्म में हमें अजय का किरदार थोड़ा डीप दिखाया जाने वाला है। ये किरदार होगा तो कार्तिक के दिल्ली जैसा ही, लेकिन इसमें उन्हें ही हीरो और उन्हें ही विलेन दिखाया जाएगा। उसके बाद कार्तिक एक फुल ऑन एक्शन फिल्म थी जिसमें लगभग हर एक सीन में एक्शन और मार धार था, लेकिन भोला में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आजकल सेंसर बोर्ड इतने ज्यादा एक्शन वाली फिल्में अप्रूव नहीं करती है। उसके बाद हमें इस फिल्म में भोलेनाथ महादेव का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिखाया जाने वाला है और ये एलिमेंट कैथी में नहीं था। साथ ही ओरिजिनल और रिमेक दोनों का एंडिंग भी डिफरेंट होगा। ये चेंजेस इसलिए होंगे ताकि जो ऑडियंस ये फिल्म ऑलरेडी देख चुकी है उनका सस्पेंस और इंटरेस्ट दोनों ही बने रहे। दोस्तों क्या आपने कार्तिक की कैथी देखी है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।